welcome. मैं हूं नशप्रीत एंड यू आर वॉचिंग Zoom. बट बिफोर वी स्टार्ट विद बॉलीवुड्स हॉटेस्ट काउंटडाउन, करते हैं बॉलीवुड को टर्न ऑन और दिखाते हैं आपको आज की हमारी टॉप स्टोरी, जहां दीपिका ने किया है रिएक्ट अमिताभ और उनकी चल रहे कॉन्ट्रोवर्सी पर. क्यों और किससे हुई दीपिका नाराज? टू फाइंड आउट, वॉच आउट फॉर टॉप स्टोरी. जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. अमिताभ बच्चन की यही बात अब दीपिका पादुकोण के जहन में भी आ गई है. अमिताभ के साथ जो मनमुटाव हुआ है वो उन्हें अब पीछे छोड़ देना चाहती हैं. सोर्सेज की माने तो दीपिका पादुकोण इज वेरी अपसेट विद न्यूज ऑफ अ टिफ विद बिग बी स्टिल डूइंग द राउंड्स. अपेरेंटली जब कुछ इस तरह की खबरें आने लगी कि दीपिका ने ऋतिक के साथ एक फिल्म छोड़ दी क्योंकि उसमें अमिताभ भी है, हैज नॉट गॉन वेल विद दीपिका पादुकोण. दरअसल दीपिका और बिग बी के बीच टकरार की बातें तब शुरू हुई जब एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने माना कि वो पीकू की सक्सेस बैश में बिग बी को इनवाइट करना भूल गई थी. बस इसकी बात क्या था, बिग बी जहाँ जाते उनसे दीपिका को लेकर ही सवाल पूछे जाते. Have you sorted out whatever minor differences that happened? वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कविता पढ़ दी थी, उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा. खैर, बॉलीवुड के इस महानायक से लेकर अब भी आ रही दुश्मनी की खबर ने दीपिका के नाक में दम तो कर ही दिया है और इसी वजह से शायद अब वो भी यही चाहती है कि मीडिया ये मान ले कि जो बीत गई सो बात गई. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom मोबाइल. वेल, टॉप स्टोरी के बाद अब वक्त है इस हफ्ते की टॉप खबरें जानने का. तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया बज और बनाई अपनी जगह हमारे काउंटडाउन में. काउंटडाउन पर इस हफ्ते बज क्रिएट किया है आलिया भट्ट ने. तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो. आज तक भले ही हर जगह आलिया की नॉलेज का मजाक बनाया गया हो, भले ही आलिया के आईक्यू पर बने जोक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ट्रेंड करते हो. आलिया, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है? बहुत बुरी. 26 जनवरी को हिंदी क्या क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस. लेकिन आज Zoom आपको वो खबर देने जा रहा है जिसे सुनकर आलिया के बारे में आपकी राय बदल सकती है. बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर ने आलिया को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी है जो आज से पहले बी टाउन की किसी एक्ट्रेस को किसी भी प्रोड्यूसर ने नहीं सौंपी होगी. दरअसल आलिया भट्ट को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं करण जौहर. वही करण जौहर जिन्होंने आलिया को अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च किया था और अब लगता है कि उन्होंने आलिया के आईक्यू पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब देने का फैसला कर लिया है. तभी तो उन्होंने आलिया भट्ट को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट शानदार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है. आलिया इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की हेड हॉन्चो की तरह काम कर रही हैं. क्रिएटिव इनपुट्स देना हो या पोस्ट प्रोडक्शन, मूवी एडिटिंग से जुड़ा कोई इशू हो या फिर फिल्म की पब्लिसिटी स्ट्रेटजीज, हर इशू पर आलिया अपनी राय देती है. साफ है करण जौहर ने आलिया को काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रखी है. We just hope आलिया करण की उम्मीदों पर खरी उतरें. इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज क्रिएट किया है वरुण धवन और उनके स्टारी टैंट्रम्स ने. रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह जैसे स्टार्स के स्टेटस को बॉलीवुड में चैलेंज करने आ गए हैं वरुण धवन. जी हाँ, वरुण धवन ने रिसेंटली मिली सक्सेस के बाद अपनी फी रणबीर कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के बराबर कर दी है और इसे लेकर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के होश उड़ गए हैं. सोर्सेस का कहना है कि बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स वरुण धवन को अपनी फिल्म में कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब अचानक वरुण धवन की इस फी हाइक की वजह से उन्हें साइन करना इन प्रोड्यूसर्स के बस की बात नहीं रह गई है. कहा जा रहा है कि अब से कुछ समय पहले तक एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले वरुण आजकल 20 से 25 करोड़ रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं, जो कि शाहिद कपूर और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स के बराबर है. वैसे वरुण की अचानक बड़ी फी की वजह बॉक्स ऑफिस पर मिली रीसेंट सक्सेस है. वरुण की अब तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई 5 फिल्म्स हिट रही हैं और यही एक बड़ी वजह है कि वरुण अपनी फी इंक्रीज कर रहे हैं. वेल वरुण, सक्सेस के हिसाब से फी हाई करना अच्छी बात है, लेकिन पैसों के साथ साथ अच्छी स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जो सिर्फ पैसों के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं. वी जस्ट होप वरुण ऐसी गलती ना करें. मूविंग ऑन, काउंटडाउन पर सलमान खान ने फिर एक बार जगह बनाई. सलमान खान के एक फैसले ने बढ़ा दी सूरज पंचोली की मुश्किलें. सलमान के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से सूरज को कई महीनों तक रहना पड़ा लोगों की नजरों से दूर.
जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि सलमान की होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो अप्रैल 2015 में ही कंप्लीट हो गई थी और फिल्म से जुड़े सभी लोग हीरो के फाइनल लुक से सैटिस्फाइड भी थे। लेकिन तभी सलमान ने सूरज पंचोली को सुना दिया एक ऐसा फरमान जिसने खड़ी कर दी सूरज के लिए मुसीबत। दरअसल सलमान ने उस समय फैसला किया कि वो फिलहाल बजरंगी भाईजान पर ही फोकस करेंगे और फिल्म रिलीज के बाद ही हीरो पर ध्यान देंगे। यही कारण है कि उन्होंने सूरज को हिदायत दी कि वो हीरो के ट्रेलर रिलीज होने से पहले खुद को पब्लिक आई से दूर रखे। इस फैसले की वजह से कई महीनों तक सूरज पंचोली ने खुद को हाइड करके रखा ताकि सलमान के ट्रेलर लॉन्च से पहले सूरज का लुक लोगों के सामने ना आ पाए। वेल सलमान, आपका ये डिसीजन आपके लिए भले ही सही साबित हुआ हो, लेकिन इस फैसले से सूरज को काफी समय तक परेशानी तो जरूर हुई होगी। इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज मेकर बनी है श्रद्धा कपूर। आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रिश्ते पर दी श्रद्धा कपूर ने सफाई, बताया आदित्य को अपना एक अच्छा दोस्त। I've always said this and I'm saying it again today. He's a good friend of mine and we've been good friends since a very long time and we will continue to be so. एक और जहां श्रद्धा आदित्य के साथ अपनी अच्छी दोस्ती को कंटिन्यू करने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर किसी कमिटमेंट में बनने या शादी करने का नहीं है उनका कोई भी इरादा। So you're ready for married coming 3 years? I think ki just like my dad, he said na ki ask this question to me after 3 years. I don't know after how many years you should ask me this question. हालांकि पिछले दिनों खबरें आई थी कि आदित्य और श्रद्धा में आ गई है दूरियां। इनफैक्ट श्रद्धा को अपने नए दोस्त के साथ मूवी थिएटर के बाहर स्पॉट भी किया गया था। इतना ही नहीं, आदित्य और सोनम की बढ़ती दोस्ती के चर्चे भी सुनने को मिले थे, पर श्रद्धा के दोस्ती वाले बयान ने कम से कम उनके बीच आई दूरियों की खबरों को तो झुठला ही दिया है। बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड आई लव्ड हर वर्क इन पीको एंड आई थिंक इट्स सच अ लवली फिल्म। न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेइंग दैट कंगना इज हैविंग अ कोल्ड वॉर विद दीपिका पादुकोण। इट्स कट्टी बट्टी। दीपिका और कंगना का इक्वेशन धीरे धीरे बी टाउन का हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। महीनों से चला आ रहा इन दोनों स्टार्स का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप अब आ पहुंचा है एक और नए मोड़ पर, जहां दिस टाइम इट्स दीपिका हु हैज टेकन अ स्टेप बैक। वेल यस, खबरें आ रही हैं दैट दीपिका हैज डिसाइडेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम कंगना एंड नॉट गेट इन्वॉल्वड इन एनी टॉपिक रिलेटेड टू हर। ऐसा दीपिका ने सिर्फ सोचा नहीं है बल्कि रिसेंटली करके भी दिखाया। प्रियंका की बर्थडे बैश से दीपिका का एब्सेंस काफी लोगों को हैरान कर गया। प्रियंका एंड दीपिका आर क्लोज फ्रेंड्स और ऐसे में दीपिका का इस पार्टी को स्किप करना काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन ऐसा दीपिका ने कंगना की वजह से किया। जी हाँ, रिपोर्टेडली जैसे ही दीपिका को पता लगा दैट कंगना हैज ऑलरेडी एंटर्ड प्रियंकाज बैश, शी डिसाइडेड टू स्किप द पार्टी। दीपिका काफी अपसेट है विद कंगनाज पास्ट कॉमेंट्स ऑन हर। फॉर अ रीकैप आपको बता दें कि कंगना ने दीपिका के उन्हें डेडिकेट किए गए अवार्ड को पॉजिटिवली नहीं लिया था। She went on the records to say that Deepika could have directly shared her thoughts about her work with Kangana. Iske baad dono ke beech misunderstanding clarify hui, but somehow both had a very katti batti relationship post that. It's katti batti. It's katti batti. Aur lagta hai ab Deepika ne Kangana ke statement ko kuch zyada hi seriously le liya hai and has decided to maintain distance with her. इस हफ्ते काउंटडाउन में तीनों खान्स ने ही मचा दी है धूम, वो भी एक फिल्म बजरंगी भाईजान को लेके। जी नहीं, हम आमिर खान के आंसुओं की बात नहीं कर रहे, ना ही शाहरुख खान के बजरंगी भाईजान प्रमोशन की। बात यहाँ हो रही है इस फिल्म की जिसने मचा दी है धमाल। 3 दिन के अंदर कमाए 102 करोड़, जिससे सलमान ने आमिर और शाहरुख का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर इसी से जुड़ी आ रही है एक खबर और वो ये है कि सलमान नहीं थे फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म ना ही सिर्फ ऋतिक को ऑफर की गई थी बल्कि सूत्रों के मुताबिक आमिर और शाहरुख के हाथ भी लगा था ये प्रोजेक्ट। जूम को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता चला है कि जिस इंसान ने बजरंगी भाईजान का कॉन्सेप्ट तैयार किया था उसने सबसे पहले आमिर और शाहरुख को किया था अप्रोच, पर शायद आमिर और SRK दोनों ने ही इस कॉन्सेप्ट में नहीं दिखाई कोई खास दिलचस्पी। आमिर और SRK के बाद इस शख्स ने कबीर खान को किया अप्रोच। कबीर को ये कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आया बेहद पसंद, फिर कबीर ने सलमान खान को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सलमान की रजामंदी के बाद कबीर ने किया इस कॉन्सेप्ट को डेवलप और आगे की कहानी तो आज सबके सामने है। आमिर और SRK की छोड़ी हुई फिल्म सलमान के लिए साबित हो रही है बारस पत्थर। दोस्ती की खातिर भले ही आमिर और SRK ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बजरंगी भाईजान उनके पास भी आई थी, पर दिल में कहीं ना कहीं उन्हें इस फिल्म को छोड़ने का मलाल तो हो ही रहा होगा। रणवीर सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया, जहां उनकी कार में हमने देखे अ बंच ऑफ फ्लावर्स। सोर्सेस की माने तो यहां रणवीर अपनी लेडी लव दीपिका पादुकोण को रिसीव करने गए थे, जो कि लंदन से मुंबई लौटी। दीपिका हैड गॉन विद हर फैमिली टू UK फॉर अ मिनी हॉलिडे। वैसे एयरपोर्ट आने से पहले रणवीर वॉज एट अ थिएटर टू वॉच अ फिल्म, और वहां से निकलते ही वो दीपिका को पिकअप करने पहुंच गए। But in case you're thinking that's the only gossip related to this energetic star, well, that's not it. Recently, Ranveer ne kafi headlines banai with few of his interesting quotes, jahan unhone apne kaam ko lekar kuch aisa kaha. I like to be in a cheerful atmosphere. While I like when people joke and there's laughter, the truth is that I am a very serious and an oversensitive person. Also, I'm very emotional, but it gets very heavy to be like that on a daily basis. Slowly, I have been noticing a change in myself. I have become mature. Especially in the last one year. I am not here to joke or fool around. Well, लगता है कि एक साल का ये चेंज आप में दीपिका के आपकी लाइफ में आने के बाद आया है, क्योंकि रणवीर अब कहते हैं कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं। रणवीर फर्दर सेड, पीपल विल स्लोली रियलाइज दैट आई एम नॉट जस्ट अ वन डायमेंशनल पर्सन। आई एम नॉट जोकिंग अराउंड ऑल ऑफ द टाइम, दो आई लाइक टू एंड आई एंजॉय इट। इफ आई एम हैविंग अ सीरियस कन्वर्सेशन, यू विल सी माय सीरियस साइड। और लगता है इसी के चलते अब हमें रणवीर का ये सीरियस साइड उनके काम के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे पुट, क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Welcome back, and you are watching Planet Bollywood, where Bollywood updates get bigger, bolder, and sexier. And it's time to continue the hottest Bollywood countdown. The team that you see with me right now is obviously the winning team. It has the best male and the female lead, and has one of the best directors and photographers. And of course, we have the series, Mr. Bhushan Kumar. It's quite the winning team. I mean, this team doesn't lose, isn't it? Thank you. We don't want to say it ourselves. If you say it, it'll be better. I think I agree. Wouldn't you agree? Well, yeah. I mean, if you have said it, so yes, we are the winning team. The winning team. Lekin, I think every time a team like this comes together, because you all have, you know, given songs, you all have done songs, and of course, आपकी जोड़ी बहुत ही अब तो हर जगह छाई हुई है और बहुत ही हिट है। Whenever you all come together, there's always this pressure कि अब ये गाना has to be better than the one that we've done, isn't it? Because you have to just only surpass what you've done in the past. Yeah, that's true. I mean, this is my first single ever, actually. It's the second for him. But हाँ, हीरो पंती के भी songs जो थे वो काफ़ी लोगों को पसंद आए थे. So it was a little there in our heads, but again I feel this is such a romantic track and it's a it's not only a music video, but it's also like a short story being told in like 9.5 minutes. I really don't think there's you can't compare the two tracks. I mean, Bhushan sir was just discussing when I asked him, and then I realized he had a point. Zindagi Aa Raha Hoon was very high octane energy and a completely different feel, and this is a completely different feel altogether, being a romantic track. Hamesha se T series ne hamesha support kiya hai independent artists aur albums wagera ko. There was a time when albums and all had become less, but do you think now with people showing so much love for songs like this, jahan singles aate hain, kahin aapko lagta hai wo daur wapas aayega, where you see a lot of singles happening, where you see you know, that fan following happening for independent artists or otherwise with singles? Yeah, I'm trying to do with his support and everybody support this only. That was my idea behind it. We started with Yo Yo Honey Singh single. So that time people used to think, because at this point of time the singles are more or less on digital platform, you know, it's not gone into television. It goes, but not to that extent, which we are trying to get into it by putting all the known faces like Tiger and Kriti. So
And definitely this era will come back, which was there, I think, 10 years back. Okay, now you'll have to answer this question. Obviously, there's something when you guys come together, whether it's for a particular ad or something, that you'll get a lot of love. Can we say that he's kind of the most romantic partner when it comes to portraying romance on screen for you? Definitely, he is romantic, which is why he's done, so great in a love story. फर्स्ट फिल्म में लव स्टोरी करना उसके साथ साथ एक्शन दिखाना सो बी दैट टफ एंड हैव दैट रोमांटिक फेस आई थिंक इट जस्ट इट्स वेरी यूनिक एंड अ रेयर कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक इफ यू लुक एट हिम हिज आईज सी ही इज जस्ट ब्लशिंग इट्स चार्मिंग राइट नाउ सो आई थिंक रोमांस आंखों से आता है जी सो आई थिंक इफ दैट्स देयर इन द आईज देन या रुद्रानी चटराज विद कैमरा पर्सन आदित्य जूम मुंबई इस हफ्ते रणवीर सिंह बने बज मेकर हमारे काउंटडाउन पर पूरी दुनिया के सामने दीपिका को प्रपोज करते रणवीर सिंह सबके सामने दीपिका के लिए अपना अफेक्शन दिखाते रणवीर सिंह और तो और पब्लिक प्लेस में दीपिका के साथ कोजी होते रणवीर सिंह रणवीर सिंह ने भले ही ऑफिशियली दीपिका के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन पब्लिक इवेंट्स पर दीपिका को लेकर उनके जज्बात सबको दिख ही जाते हैं लेकिन रिसेंटली एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रायर कमिटमेंट के बावजूद रणवीर ने सरप्राइजिंगली दीपिका के साथ मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया जी हाँ फिल्म मसान की स्क्रीनिंग पर मीडिया को ये कहकर बुलाया गया था कि यहाँ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ आने वाले हैं ऐसे में जब स्क्रीनिंग के शुरू होने के बाद मीडिया ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स से दीपिका और रणवीर के ना पहुंचने को लेकर सवाल पूछा तो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर सभी सरप्राइज रह गए दरअसल रणवीर दीपिका स्क्रीनिंग पर पिछले गेट से पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने ऑर्गेनाइजर से साफ कह दिया था कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते और तो और हद तब हो गई जब स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद सारे स्टार्स इस प्रीव्यू थिएटर से चले गए और रणवीर दीपिका थिएटर में रुककर इस बात का इंतजार करते रहे कि मीडिया वहां से चली जाए वेल दीपिका और रणवीर सिंह अचानक मीडिया से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे ये किसी को नहीं पता लेकिन इन दोनों स्टार्स ने मीडिया को चकमा देने के लिए जितनी मेहनत की है उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये दोनों स्टार्स कोई बड़ी बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते काउंटडाउन पर बज क्रिएट किया कैटरीना कैफ ने व्हेन शी विजिटेड द सेट्स ऑफ सलमान खान स्टार अप बजरंगी भाईजान फिल्म बजरंगी भाईजान के स्पेशल सॉन्ग आज की पार्टी की शूटिंग के दौरान कैटरीना भी थी सेट पर मौजूद और इस खबर की सच्चाई को बयां किया है फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल प्ले करने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा की मदर काजल मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान काजल मल्होत्रा ने बताया कि जब कबीर खान सलमान और करीना के साथ फिल्म का स्पेशल सॉन्ग शूट कर रहे थे उस समय कैटरीना सेट पर आई थी और क्योंकि हर्षाली कैटरीना की बड़ी फैन है तो उन्होंने अपनी फेवरेट स्टार कैटरीना के साथ कई पिक्स भी क्लिक करवाए थे वही कैटरीना के सरप्राइज विजिट पर सोर्सेज का कहना है कि भले ही अब सलमान और कैटरीना की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जितनी एक समय पर हुआ करती थी लेकिन फिल्म एक था टाइगर के बाद कैटरीना और डायरेक्टर कबीर खान के बीच टर्म्स काफी अच्छे हो गए हैं यही कारण है कि जब कैटरीना को पता चला कि कबीर सेम विसिनिटी में शूट कर रहे थे तो वो सीधा उनसे मिलने चली गई लेकिन कैटरीना का सलमान की फिल्म के सेट पर जाने का एक बड़ा रीजन करीना को भी माना जा सकता है करीना रणबीर कपूर की कजन है और इसीलिए कैटरीना करीना के भी काफी क्लोज हैं। वेल, यहाँ कैटरीना और सलमान के बीच कोई बात हुई नहीं इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया लेकिन इतना तो है कि जब भी सलमान और कैटरीना आमने सामने होते हैं तो खबरें बन ही जाती हैं। Well, with this, it's a wrap on the show, but we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.